हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर बात करने वाला हूं। जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, बहुत सी बार वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रही है, या फिर आपकी फ़ीस क्या है, कोर्सेस में आप क्या सिखाते हैं। तो इन सभी डाउट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग सारे ही जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम फ्री में वीडियोस बनाते हैं और ट्रेनिंग लेसन्स में हम इन सभी चीज़ों को जो है डिस्कस करते हैं। लेकिन जिन भी लोगों को और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर डीप नॉलेज अगर चाहिए तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी जो ट्रेनिंग होती है वो एवरी मंथ 15 से स्टार्ट होती है, मतलब हर महीने की 15 तारीख से हमारी क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। और इस मंथ भी 15 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मंथ भी 15 से स्टार्ट होगी, तो हर महीने की 15 तारीख से हमारी क्लासेस जो हैं शुरू होती हैं। और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो अलग अलग शिफ्ट में होती हैं, और एक क्लास जो होती है 1 आवर की होती है, मतलब एक घंटे की एक क्लास होती है जो कि हम जूम ऐप पर लेते हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हर महीने की 15 तारीख को जो क्लासेस होती हैं तो इनकी बुकिंग जो है पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। और देखिए, अगर हम इसकी टाइम की, मतलब शेड्यूल की अगर बात करें तो मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, आफ्टरनून में भी क्लासेस होती हैं और इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं। तो इसमें से जो भी टाइम आपका सूटेबल है उस टाइम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी MMC की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो 6 वीक की होती हैं। इसमें स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होते हैं वो पूरे ही थ्योरी होते हैं, जिसमें हम आपको MMC के प्रोटोकॉल्स, MMC की फंक्शंस, उसकी हिस्ट्री और किस तरह से ये काम करती है, इसके फंडामेंटल्स वगैरह सब के बारे में हम A to Z आपको थ्योरी में इसके डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके बाद में 3rd वीक जो होता है वो UFI बॉक्स का होता है, 4th वीक जो होता है वो EasyJTAG बॉक्स का होता है, और उसके बाद में जो 5th वीक होता है वो UFS चिप के ऊपर होता है, और 6th वीक जो होता है वो स्पेशली रेक्टिफिकेशन ऑफ MMC एरर्स, मतलब MMC में जितने भी जो एरर्स आते हैं उसको लेकर के होते हैं। इसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, जिसमें कभी कभार हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इसके अलावा हार्डवेयर से रिलेटेड आने वाले फॉल्ट MMC में जिससे हम किस तरह से पहचानेंगे उसके बारे में, तो इस तरह से हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं हमारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए, ताकि उनको इन फ्यूचर भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। और बहुत से जो व्यूअर्स होते हैं या जो अभी सीखना चाहते हैं, जो एकदम फ्रेशर होते हैं, वो ज़्यादातर सपोर्ट के बारे में भी पूछते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप सपोर्ट किस तरह से देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग ऐसी होना चाहिए कि सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ट्रेनिंग के बाद में भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं। लेकिन फिर भी जितने भी जो फ्रेशर्स होते हैं या जो सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, उनके मन में डाउट ज़रूर होता है कि ट्रेनिंग के बाद में अगर हमें कोई इशू आता है तो हमें किस तरह से हेल्प मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग में ही हम आपको A to Z नॉलेज देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ समय के लिए आपको हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको हम सपोर्ट या हेल्प नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपको गाइडेंस। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो कि 12 PM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे ऑन रहते हैं, जिसमें हमारे 5 एडमिन्स होते हैं जो कि MMC से रिलेटेड आपको गाइड करते हैं। जब भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उस ग्रुप में, आप अपनी प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट में या फिर जो सॉफ्टवेयर के बॉक्स के लॉग्स होते हैं उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर जिस भी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को उस ग्रुप में बता सकते हैं उसे आप मैसेज में, स्क्रीनशॉट में या वॉइस कमांड में आप उसे सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या इसके लिए करना है, किस तरह से करना है, प्रॉपर गाइडेंस आपको उसके लिए देते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में आपको, मतलब किसी भी तरह से कोई एरर में आपको दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर हमारे कोई वीडियोस होते हैं, कोई ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो वो भी हम हमारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद में प्रॉपर उन्हें गाइडेंस देते हैं, और कुछ समय के बाद उन्हें ना ही किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ना ही किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारा सोचना ये होता है कि आप ट्रेनिंग को 0 to Advanced तक हमसे सीखें, ताकि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी अगर चेंज भी हो जाए तो आपको फिर दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में जाना ना पड़े। टेक्नोलॉजी जिस तरह से अपडेट होती है, आपको किस तरह से अपडेट होना है उसको लेकर के भी हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर सारे डाउट्स जो हैं उन्हें क्लियर करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी के साथ हमें कैसे अपडेट होना है ताकि हमें दोबारा से किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेना ना जाना पड़े, उसका भी पूरा प्रोसीजर हम आपको बताते हैं कि टाइम के साथ आपको कैसे अपडेट होना है।
और देखिए हार्डवेयर की जो बैचेस होती है वो एक मंथ की गैप के बाद होती है, जैसे कि एमएमसी की जितनी भी बैचेस होती है वो एवरी मंथ 15 से हमारी स्टार्ट होती है, लेकिन हार्डवेयर की जो बैचेस होती है वो वन मंथ की गैप के बाद होती है, क्योंकि हार्डवेयर की जो क्लासेस होती है वो करीब करीब 3 महीने तक चलती हैं। तो इस वजह से जितनी भी हमारी हार्डवेयर की क्लासेस होती हैं वो क्योंकि 3 मंथ तक चलती हैं, तो वो क्लासेस जो है एवरी मंथ उसकी बैच स्टार्ट नहीं होती है, वन मंथ की गैप के बाद उसकी जो है हम हार्डवेयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आईफोन की क्लासेस फ़िलहाल में अभी हम ऑनलाइन में नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ ईएमसी और हार्डवेयर की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें अभी ईएमसी की हमारी जितनी भी जो ट्रेनिंग है उसमें अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और फीस हमने जो है 50% कम कर ली है, और ओनली 5999 मतलब 5999 रुपये में आप ईएमसी की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो सभी रिकॉर्डेड होती है, इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह से अगर आपको रिवाइंड करना है आपने जो ट्रेनिंग लिया था, तो उसके लिए हम आपको एक लॉगिन पैनल देते हैं जहां से आपकी जो क्लासेस की वीडियो है उसे आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ईएमसी की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम इजी जेटेक और यूएफआई, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इजी जेटेक और यूएफआई बॉक्स इन दोनों को ही कवर करते हैं। इन दोनों ही बॉक्स की ट्रेनिंग लेने के बाद में आप इसके अलावा कोई भी अदर बॉक्स जैसे मेडुसा प्रो, MIPI, न्यूक प्रो बॉक्स, इस तरह के जितने भी जो बाकी बॉक्सेस आते हैं उन सभी को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूएफआई और इजी जेटेक ये दो ऐसे बॉक्स हैं जो ज़्यादातर टेक्नीशियंस यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों बॉक्स को जिनको भी प्रॉपरली चलाना आ जाता है, यूज़ करना आ जाता है, तो वो और भी किसी बॉक्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारी इस ईएमएमसी ट्रेनिंग के अंदर हम यूएफआई बॉक्स और इजी जेटेक इन दोनों ही बॉक्स को कवर करते हैं। और देखिए जितने भी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर जो ईएमआई पर फीस पे करना चाहते हैं उसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड से 3 मंथ 6 मंथ में इसे पे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट करके जो है इसका ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन हमसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमारी ऑनलाइन ईएमसी ट्रेनिंग को लेकर के मैंने आपके सभी डाउट्स के ऊपर जो है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह से कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा।